नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शारदा। मोर टेस्टी फूड पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ आम के अचार की ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जिसमें हम ना ही तो मसालों का यूज करेंगे, ना तेल का और ना प्रिजर्वेटिव का, फिर भी बहुत ही टेस्टी अचार हमारा बनेगा और सालों खराब भी नहीं होगा। रेसिपी देखने के बाद आप आम लेने के लिए दौड़ पड़ेंगे, ये इतना टेस्टी अचार हमारा बनता है। तो बनाना शुरू करते हैं आम का खट्टा हींग वाला तीखा अचार। सबसे पहले अचार बनाने के लिए यहाँ मैंने ये 500 ग्राम के करीब आम लिए हैं, जिन्हें अच्छी तरह से धुल लिया है और कपड़े से पोंछ लिया है। नमी इनमें अब बिल्कुल भी नहीं है, इस बात का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इस समय जो मार्केट में आम आ रहा है वो मैच्योर हो चुका है और उसका अचार हम डालेंगे तो वो अचार हमारा खराब भी नहीं होगा, साथ ही टेस्टी भी बनेगा। सारे आम को मैंने बिना छीले ही पतली पतली स्ट्रिप में काट लिया है। आप चाहें तो इसे छील भी सकती हैं। और आम की छोटी जो पीस मैंने रखे हैं उसका सिर्फ एक ही कारण है, जिससे हमारा अचार ज़्यादा वेस्ट ना जाए। जिस विधि से मैं आज आपको अचार बनाना बताऊंगी, उसमें छोटे ही पीस आम के रखे जाते हैं। यहाँ ये मैंने एक साफ़ और सूखा हुआ भगोना लिया है, सारे आम के कटे हुए पीसेस मैं इस भगोने में डाल दूंगी। इस अचार को हम बिना मसाले और बिना तेल के बनाएंगे, तो सिर्फ तीन सामग्री से ही हमारा अचार ये बन जाएगा। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और दो बड़े चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर डालेंगे, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा, ये कम तीखी वाली होती है। डेढ़ चम्मच ये सादा नमक है, इसे डाल देंगे। साथ ही जो इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है हींग, तो हींग डालना बहुत ज़रूरी है। हींग का फ्लेवर ही इस अचार में बहुत बढ़िया आने वाला है। तो यहाँ मैं ये जो हम रोज़ खाने में चम्मच यूज करते हैं ना, उसी से नापकर एक चम्मच मैंने हींग डाल दी। नमक यहाँ मैंने अभी कम ही डाला है। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद एक बार चेक कर लेंगे, नमक कम लगेगा तो थोड़ा नमक इसमें हम और डाल देंगे। पहले आम के पीसेस को हम एक दो मिनट चम्मच से ही अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसे मैं हाथ से मिक्स करूंगी। हाथ मेरे साफ और सूखे हुए हैं। आपके हाथ में मिर्च की जलन होती है तो आप ग्लव्स पहनकर फिर मिक्स करें। रोटेट करते हुए मिक्स करना है, जैसे हम दाल को फेंटते हैं ना एक ही डायरेक्शन में, उसी तरह से आम को भी एक ही डायरेक्शन में ऊपर नीचे करते हुए मिक्स करते रहेंगे। तो आम का आप देख रहे हैं पीसीस का कलर चेंज होता जा रहा है और इसमें नमक, मिर्च और हींग अच्छे से सारी आम के पीसीस में बैठ गया है। 7 से 8 मिनट बाद मिक्स करने के नमक टेस्ट करेंगे, थोड़ा सा कम है तो आधा चम्मच नमक इसमें और डाल देंगे और फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमें टोटल टाइम 10 मिनट इसे अच्छे से मिक्स करना है, तभी हमारा अचार ये बढ़िया से बनेगा। दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा ये टेस्टी सा अचार बन चुका है। हाथ भी काफ़ी गीला गीला सा नमक की वजह से हो गया है, यही इसकी पहचान है। अचार स्टोर करने के लिए यहाँ ये मैंने धूप में सूखा हुआ जार लिया है। अब सारे अचार को मैं इस जार में भरकर किसी ऐसी जगह रख दूंगी जहां नमी ना हो, और हाँ, इसे एक दो दिन धूप में ज़रूर रखें। आपके मुंह में भी पानी आ गया ना अचार को देखकर, ये है ही इतना टेस्टी। अब से आप घर में, सफ़र में जब भी इसे खाएंगे तो आपके आसपास बैठे लोग खुशबू सूंघकर आपसे अचार मांग मांग कर खाएंगे। दोस्तों, ये अचार मेरी एक फ्रेंड हैं कुसुम मुदगल, उन्होंने मुझे बनाना सिखाया। मैं उन्हें दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जिससे आपके साथ भी इसे मैं शेयर कर पाई। अब तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे वो भी ये टेस्टी सा अचार बनाकर खा सकें।